देश में ओमिक्रॉन के अब 161 मरीज सामने आए हैं। ये मामले 12 राज्यों से मिले, जबकि ओमिक्रॉन के 42 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ठीक होने वाले ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीजों में महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक के लोग हैं। अब ओमिक्रॉन को कोई भी मरीज गंभीर नहीं है। वहीं महाराष्ट्र राज्य से अब तक सबसे ज्यादा 54 के सामने, इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां 32 मामले हैं, जबकि तेलंगाना में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20 मामले सामने आए। देश में अब तक आए ओमिक्रॉन के केस, महाराष्ट्र 54, दिल्ली 32, तेलंगाना 30, राजस्थान 17, गुजरात 13, केरल 11, कर्नाटक 8, यूपी 2, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1। वैसे ओमिक्रॉन को लेकर चिंता के बीच भारत में कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।